आपका फैसल फारूक और जो सारे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग आए इतने शॉर्ट नोटिस पे और इस मसले पर आपने आवाज़ बुलंद की है। मैं सबसे पहले आपको जो वाकया हुआ वो बता देता हूँ। मियाँ रशीद साहब जो चैनल 92 के मालिक हैं, उनकी साहबजादी की शादी थी, इनविटेशन कार्ड था। बहुत सारे साहबी इस्लामाबाद से फैसलाबाद गए, हमने भी कल अपना प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड करके उस शादी में शिरकत के लिए मैं गया। शादी के तकरीब के इख्तितामी ये लम्हात थे, तो मैं और पीटीआई के नौजवान एमएनए हैं वहाँ से फैसलाबाद से फर्रुख हबीब, वो रऊफ क्लासरा और अशर शरीफ साहब, हम दरवाजे की तरफ आ रहे थे वहाँ से निकलने के लिए, सामने डीजी एफआईए बशीर मेमन साहब आ गए, तो उनसे हमने बातें करना शुरू कर दी। अचानक मुझे पीछे से गालियों की आवाज़ आई, बड़ी मैं वो रिपीट नहीं कर सकता, माओं बहनों की गालियाँ। तो मैंने मेरे जहन में ये बात आई कि ये कौन है और किसको गालियाँ पड़ रही हैं, ये क्या हो रहा है, क्योंकि बड़ी सिंपल और बड़ी अच्छी तकलीफ थी। मैं यूँ पीछे मुड़ाऊँ, जिस वक्त मैं पीछे मुड़ाऊँ तो फवाद चौधरी साहब उस वक्त बिल्कुल नज़दीक आ चुके थे, मैंने देखा वो पीछे 2 या 3 फीट दूर थे। मैं पीछे मुड़ाऊँ तो उन्होंने कोई बात नहीं हुई, किसी तरह की कुछ भी नहीं, वो उन्होंने मुक्का अपना बनाया हुआ था और उन्होंने मेरे इस साइड पे उन्होंने पंच किया, नहीं चलेगी, डब्बू मुर्दाबाद, डब्बू। फिर जब उन्होंने ये पंच मारा मुझे, तो मेरे ये जो ग्लासेस थे ये गिर गए, मैं लड़खड़ा गया और 10-15 सेकेंड बिल्कुल यानी अंधेरा था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कुव्वत से गुस्सा जो भी था उन्होंने, मैं जब लड़खड़ाया हूँ तो शायद फर्रुख हबीब था या कोई और था, उसने मुझे पीछे से पकड़ा, तो वो उस वक्त मुझे गालियाँ निकाल रहे थे माओ बहनों की, और उन्होंने कहा कि मैं फिक्स कर दूंगा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मैं हक्का बक्का था, उनके साथ लोग थे, उन्होंने उनको इनसर्कल किया हुआ था, उनके साथ ही थे सिक्योरिटी गार्ड थे, मुझे नहीं पता। और 5-7 सेकंड या गालबन 10 सेकंड होंगे, वो गालियाँ निकालते हुए वहाँ से अपने उन साथियों के हमरा चले गए, रऊफ क्लासरा, अरशद शरीफ, बशीर मेमन और वो जो हमारे दोस्त हैं फर्रुख हबीब, सब हक्का बक्का। रऊफ क्लासरा मैंने देखा कि बहुत परेशान थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं बड़ा